हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्नु। मेरा चैनल यम्मी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी का चिल्ले का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सेहत से भरपूर होता है। जिसके लिए मैंने 2 कप सूजी लिया है मेजरिंग कप में। 2 कप सूजी में मैंने 2 कप दही डाला है। ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लिया है मैंने। अभी स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। चिल्ले को और हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जियां लिया है मैंने, जैसे बारीक कटे हुए गाजर लिया है, टमाटर लिया है, मैंने उसका बीज निकाल दिया है एक टमाटर को, हरी मिर्च को बारीक काटा है, प्याज और शिमला मिर्च लिया है, तड़के में डालने के लिए करी पत्ता लिया है। अभी हम इस पेस्ट में सारे सब्जियों को ऐड कर देंगे, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज। आपके पास जो भी सब्जी हो, आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिला के एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे इसका। अभी हम बारीक कटे हुए हरा धनिया भी डाल देंगे, इससे हमारा चिल्ला और टेस्ट लगेगा। एक तड़का वाला पैन लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डालेंगे और करी पत्ता को बारीक काट कर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तड़के को हम बैटर में डाल देंगे, इससे हमारा चिल्ला और भी ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तड़के को अच्छे से बैटर के अंदर मिला लेंगे और बैटर को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख लेंगे। उसके बाद हमारा चिल्ला जो है बहुत अच्छा बनेगा। अभी हम चिल्ला बनाने की तैयारी करेंगे। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और बैटर को थोड़ा सा फैलाएंगे, ऐसे डाल के थोड़ा राउंड शेप में ऐसे ऐसे पतला पतला करके शेप दे देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। अभी जो साइड में ऑयल एक्स्ट्रा था उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ चिल्ले के ऊपर। अभी चिल्ला हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है, अभी हम दूसरे साइड को इसे पलट देंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है। जो वर्किंग वुमेन होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। 10 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे और दूसरा वाला चिल्ला डाल देंगे पैन में, इसको भी हम पलट देंगे। अगर रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए, मैंने प्लेट में सूजी का चिल्ला को सर्व कर लिया है। अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।